नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। प्रयागराज इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ बवाल। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग का आरोप। पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक पर हमले के बाद उग्र हुए छात्र कैंपस में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी कर रहे हैं। अपर पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरी पुलिस बल के साथ कैंपस में मौजूद छात्रों को शांत कराने की कर रहे हैं कोशिश। देखिए ये रिपोर्ट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि छात्रों में और जो यहाँ सुरक्षाकर्मी गार्ड्स हैं उनके बीच में कुछ झड़प हुई है। इस झड़प के बाद में यहाँ पे स्थिति को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। छात्र अब यहाँ पे आ गए हैं, छात्र संघ भवन के पास में यहाँ पे सब आके शांतिपूर्ण बैठ गए हैं और स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। छात्रों और जो दूसरी तरफ से कहना है उस चीज़ की बात जानने के लिए कोशिश की जा रही है, इनकी बात करके और जो विधिक कार्रवाई है वो सही विधिक कार्रवाई कराई जाए। अच्छा, वजह पता चली कि अब पूरी तरह नियंत्रण है क्योंकि दोनों पक्षों से वार्ता हो रही है, तो फिर अभी मैं और चीज़ें क्लियर कर बताता हूँ। प्रथम सूचना यही है कि गार्ड्स और स्टूडेंट्स के बीच में किसी बात को लेकर झड़प। गाड़ियाँ भी जलाई गई अभी यहाँ पे, दो मोटरसाइकिल जो है उसके उसका है नियंत्रण कर लिया गया है। फायर की गाड़ी आ गई है, उन्होंने उसका नियंत्रित कर लिया है। छात्र इधर उधर हो गए थे, उन्हें भी नियंत्रित करके एक जगह से इकट्ठा करके बैठा दिया गया। गोली भी चलाई गई। स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। धन्यवाद।